নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে ঝাড়খণ্ড থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হলো। সূত্র মারফত যা খবর, ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের এক কেন্দ্র থেকে ফাঁস হয়েছিল নিট প্রশ্নপত্র। পাটনায় উদ্ধার পোড়া প্রশ্নপত্র থেকে এই তথ্য মিলেছে বলেই খবর সূত্রের। ঝাড়খণ্ডে গাড়িতে করে পালানোর সময় কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করে রাজ্য পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে মিলেছে বেশ কিছু তথ্য, জানিয়েছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ। দানাপুর নগর প্রশাসনের বোর্ড গাড়িতে লাগিয়ে ঘুরছিল নিট কাণ্ডে অভিযুক্ত সিকান্দার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চেকপোস্টে আটকায় পুলিশ। পালানোর চেষ্টা করে সিকান্দার ও তার সাগরেদরা। শাস্ত্রী নগর থানায় রাখা সেই গাড়ির ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রকাশ কুমার। जिस नंबर यहां पर नीचे लिखा हुआ है JS014W और ये नगर प्रशासन दानापुर लिखा हुआ है। दानापुर का जो नगर प्रशासन लिखा हुआ है, यानी कि ये सरकारी जो अमला जामा पहनाने की कोशिश की गई थी, इसके ऊपर में इस तरह से कवर लगाने के लिए रखने का था, लेकिन इसने ढका भी नहीं था और ये इसी तरह से रखा हुआ था। सुबह में ही ये जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली थी इसकी जानकारी, और इसी जानकारी के हिसाब से जब दोपहर में यहाँ पर चेक पोस्ट लगाया गया था और स्पेसिफिक इस गाड़ी को रोकने के लिए, और इस गाड़ी को जब रोका गया था तो इसी में वो सिकंदर नाम का शख्स, सिकंदर यादवेंदु, जो खुद को बताता था जूनियर इंजीनियर और दानापुर जो लिखा हुआ था उस विभाग में काम करने का। और आप देखिए, ये जब गाड़ी जब्त की गई थी तो उस वक्त में इस गाड़ी के अंदर में तीन और शख्स थे यादवेंदु के अलावा, और जिसमें एक ड्राइवर भी था। तो उन लोगों को जब पूछताछ के लिए बाहर निकाला गया, पहले तो ये लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब भागने की कोशिश की तो चारों तोर से पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी, और पुलिस ने जब घेराबंदी की तो फिर इन लोगों को पकड़ लिया गया और फिर इनसे पूछताछ करने जब पुलिस लगी तो उनके पास से चार एडमिट कार्ड जो नीट के लिए थे वो बरामद किए गए थे। और जो नीट का जो एडमिट कार्ड बरामद किया गया तो उसमें से ये पता चला कि यही वो लोग हैं जो उस जगह पर जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, लर्न एंड प्ले, जहां पर लड़कों को जमा करना था एक ही जगह, उनमें से जो दो और वहां कैंडिडेट थे उन लोगों को ले जाया गया था और उस कैंडिडेट को यहां से उसे पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर उस लर्न एंड प्ले स्कूल पर छापेमारी की गई, जो यहाँ से खेमनी चौक है, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है शास्त्री नगर थाने से। और जब छापेमारी की गई तो पता चला कि वहाँ पर अन्य जो दूसरे और भी लोग जो पकड़े गए थे, जिनका कनेक्शन था, जिनके एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए थे, और जो फोन था उस फोन से जो डिटेल्स बरामद किए गए थे उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। ये वही गाड़ी है, अगर गाड़ी नहीं पकड़ी गई होती तो आज प्रश्न पत्र लीक करने वाले जितने भी यहाँ पर सरगना थे, माफिया थे, वो नहीं पकड़े जाते। तो जाहिर है कि इस अंदाज में पुलिस ने जो काम किया था उसमें बहुत सारे पुलिस वाले थे जो उस वक्त यहाँ पर उस पूरे ऑपरेशन में मौजूद थे। देखिए, ये जो रोशन है, इनके पास पिस्टल है, बड़ी मेहनत करके इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और मेहनत करके ही इन लोगों को पकड़ा था। और आज पूरे देश में जो पर्दाफाश हुआ है एक गिरोह का, गैंग का, माफिया का, जो प्रश्न पत्र लीक मामले में हमेशा से रहे हैं, और न सिर्फ इसमें बल्कि सिपाही भर्ती घोटाला हो या शिक्षक भर्ती घोटाला हो, बीपीएससी घोटाला हो, इन सब तमाम में जो प्रश्न पत्र लीक करने के जो भी मामले सामने आए हैं सबके तार जुट रहे हैं। तो ये खास है, ये डस्टर गाड़ी जिसका नंबर है JH01BW0019 और इस पर लगा हुआ है दानापुर प्रशासन, जो प्रशासन की गाड़ी का अमला जामा पहना करके इसे कोशिश की गई कि इसके किसी तरह से पुलिस जो है उसे नहीं पकड़े, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट रहा और उसी पर पुलिस ने कार्रवाई की और इतना बड़ा पूरे देश में जो हंगामा है इसी गाड़ी की वजह से वो हंगामा सामने आया। और एक के बाद एक जितने भी लोग थे इस पूरे गैंग में शामिल थे, इस पर्चा लीक मामले में जितने भी लोग शामिल हुए थे उन सबको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस बीच में क्योंकि चुनाव चल रहे थे तो कई सारे ऐसे मामले हुए थे इस चुनाव की वजह से जिसमें यह मामला दब गया था, लेकिन जैसे ही ईओयू ने कार्रवाई शुरू की, चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से फिर से यह मामला तूल पकड़ा है और अब पुलिस को तलाश है, ईओयू को तलाश है उस शख्स की, उस डॉट को मिलाने की जिसने सबसे पहले पर्चा लीक किया। क्या वो पर्चा लीक प्रिंटिंग हाउस से लेकर के बैंक तक जाने से हुआ है या फिर बैंक से सेंटर के बीच में हुआ है,
इसी की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज कंगाले जा रहे हैं। जो शख्स पकड़ा गया है देवघर से, पांच में से एक जिसने गुनाह कबूल किया है, अब वो जानना चाहता है, उससे पुलिस पता लगा रही है कि आखिर उस तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ये मोबाइल में पहुंचा था सबसे पहले। तो क्या मोबाइल से फोटो लिया गया था या फिर पहले से प्रश्न पत्र उसका एक कॉपी उसके पास में थी, तो ये सारे चीज पर मामला से अभी खुलासा होना बाकी है। पर यह तय है कि अगर ये गाड़ी नहीं पकड़ी गई होती, इसमें वो सिकंदर जो किंग है, किंग पिन है, वो नहीं पकड़ा गया होता, तो फिर ये मामले का कभी खुलासा नहीं हो पाता। আর নিট ও নেট নিয়ে তোলপাড়ের মাঝে শুক্রবার অর্থাৎ গতকাল লাগু হলো নতুন প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী আইন। এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন আইনে উল্লেখ করা হয়েছে 15টি বিষয়। এই 15টির মধ্যে যে কোনো একটি কাজে যুক্ত থাকলেই যেতে হতে পারে জেলে। পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র বা উত্তর ফাঁস করলে কিংবা প্রশ্নপত্র বা উত্তর ফাঁসে অন্য কারো সঙ্গে যুক্ত থাকলে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে। কোনো অধিকার ছাড়াই প্রশ্নপত্র বা ওয়েমার শীট দেখলে অথবা নিজের কাছে রাখলে অথবা অননুমোদিত হয়েও পরীক্ষার সময় এক বা একাধিক প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করলে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে এই আইনে। বিস্তারিত জানিয়েছে আমাদের প্রতিনিধি রবিকান্ত, দেখাবো। बेहद कड़ा कानून है। इसके अंतर्गत अगर सरलता से समझा जाए तो जिस किसी भी नौकरी में तनख्वाह सरकारी कोष से जाता है, उस नौकरी को आयोजित करने वाली संस्थाएं और वो परीक्षा इस कानून के दायरे में आएगा। छात्रों के लिए बता दें कि जो भी छात्र इसमें सम्मिलित होंगे उनको कोई खतरा नहीं होगा। जो लोग इस परीक्षा को आयोजित करने में या नकल कराने में या पेपर लीक करने में शामिल होंगे, वही लोग इस कानून के दायरे में आएंगे। तो जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा, ये बात इस कानून में एकदम स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन ये कानून इतना सख्त है कि 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा इंडिविजुअल होगी, और जो लोग संगठनात्मक रूप से किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इसमें शामिल होंगे, पेपर लीक में या नकल में या किसी अन्य तरीके से सहायता में, उनको 10 साल तक की सजा मिल सकती है। न्यूनतम 5 साल की सजा मिलेगी संगठनात्मक रूप से अगर इसमें कॉन्स्पिरेसी में कोई शामिल होता है। তরে ঘরে এই আইন প্রণয়ন করে নিজেদের ঘাট থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে কেন্দ্র, বলছেন সুজন চক্রবর্তী, দেখাবো। এরকম নয় যে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা, কোন একটি লোক কোন একটি জায়গাতে যুক্ত আছে তাকে একটা শাস্তি দিলাম হয়ে গেল, তা তো নয়। এটা তো নিটের পরীক্ষা ভয়াবহ, নেট, সিএসআই আর ইউজিসির নেট, সেটাকে স্থগিত করতে হয়েছে, নিশ্চয়ই তার কারণ আছে। এবং এই সমস্ত সংগঠন যা বিশেষ করে এনপিএ, তার মাথায় কে? ব্যাপম কেলেঙ্কারি এর আগে হয়েছে পশ্চিমবাংলাতে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ভয়াবহ, ফলে এটা কিন্তু জেনারেল হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত ব্যবস্থাপনায়। এবং সেক্ষেত্রে জেনে বুঝে দুর্নীতিগ্রস্ত যে অপরাধী, যে তাকে দায়িত্ব দিয়ে অপরাধ করবার ব্যবস্থা যারা করছেন, আইনটা কি তাদের বিরুদ্ধে লাগু হবে? শিক্ষা মন্ত্রকের বিরুদ্ধে, শিক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে? শান্তনু সেন, তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন, তিনিও বলছেন যে তরে ঘরে এই আইন প্রণয়ন করে দায় এড়িয়ে যেতে চাইছে কেন্দ্র। শুনুন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন একটা টলমলে অস্থায়ী এনডিএ জোটের শুরুতেই যেভাবে শতাব্দীর সব থেকে বড় এডুকেশনাল স্ক্যাম, যথাক্রমে নিট ইউজি, যেখানে 24 লক্ষ প্রথম সারির ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা হয়েছে, 60 লক্ষ করে টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিলি হয়েছে, বিক্রি হয়েছে গুজরাট সহ বিজেপি শাসিত এবং বিজেপিদের বন্ধু সরকার বিভিন্ন রাজ্যে, একাধিক দুর্নীতি সামনে এসছে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ইউজিসি নেট পরীক্ষাও যে কারণে বাতিল করতে হয়েছে, এখন নিজেরা দায় এড়ানোর জন্য এই ধরনের নাটক করছে। এই সিদ্ধান্ত অনেক আগে গৃহীত হয়েছিল, তাহলে সেটা এতদিন ইমপ্লিমেন্টেড হয়নি কেন? কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রের শিক্ষা দপ্তর কোনোভাবেই এই দায় এড়াতে পারে না। নিট ও নেট নিয়ে তোলপাড়ের মাঝে শুক্রবার লাগু হলো নতুন প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী আইন। এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধীরা। আর এ প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র সৌমিক ভট্টাচার্য কি বলছেন, দেখুন। যদি কোনো জায়গায় বিচ্যুতি পাওয়া যায়, কোনো জায়গায় মনে হয় এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টি, তার কোনো নেতা, তার কোনো ইচ্ছা শক্তির কারণে এই দুর্নীতি ঘটেছে, সেও কিন্তু
আইনের বাইরে যাবে না তারও কিন্তু কঠোরতম শাস্তি হবে। এবং এই দৃঢ় পদক্ষেপ যে নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে, এটা সদর্থক, একে স্বাগত জানাচ্ছি। স্বাভাবিকভাবেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, কারণ জানেন এই রাজ্যের বহু মানুষই আজকে এই ঘটনায় দোষী হতে চলেছেন, আজ নয়তো কাল, সময়ের অপেক্ষা। ডক্টর সুজন চক্রবর্তী আজকে যা প্রতিক্রিয়া দিলেন সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকে, বিরোধী দল বিরোধিতা করবেই, সিপিএম বিজেপির বিরোধিতা করবে, এনডিএ সরকারের বিরোধিতা করবে, শিক্ষামন্ত্রক নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করবে, এটা তো হবেই, এটাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আজকে তার বক্তব্য যেন কোনো না কোনো ভাবে তৃণমূলের বক্তব্যের সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে।